मत ले। अरे इतना है यार, अरे सब लोग तो आ गए यार। आप मेरी आवाज रिकॉर्ड कर रहे हो ना? आपने बैठ जा रही है। नहीं रिकॉर्डिंग नहीं है। बहुत सर्दी है यार। घूम ऊपर कर, और ऊपर देख, पूरा गांव आ गया अब। चलो कोई नहीं, चलो जल्दी जल्दी कर। एक मिनट सर, और ऊपर 5-10 मिनट आएगा। पीछे करो घूम। दोस्तों नया प्रोजेक्ट आने वाला है यार, डेफिनेटली नया प्रोजेक्ट आने वाला है, बट बताऊंगी ना आप लोग को, अपडेटेड रहो और देखना। नहीं जा रही थी पर्सनली, बट वो बहुत एक्सपेक्टेड था मुनव्वर का जीतना, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी फैंडम है, यू नो इतने फैन फॉलोअर्स है। और ठीक है वो जीते हैं, बढ़िया है, बट डिजर्विंग मुझे नहीं लगते थे। मैं घर के अंदर भी अक्सर ये बोलती थी कि डिजर्विंग मतलब जिनका बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत नेसेसरी है, यू नो, तो उस हिसाब से मुझे नहीं। तो आपके हिसाब से कौन डिजर्विंग था? मेरे हिसाब से यार अंकिता जी वॉज द डिजर्विंग वन, क्योंकि उनकी तो पूरी पर्सनल लाइफ ही खुल चुकी थी कि उनकी मैरिड लाइफ में भी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, प्लस वो गेम भी साथ में मैनेज करी, तो उनकी जर्नी भी कोई आसान नहीं रही थी, बहुत टफ रही थी। सबकी जर्नी यार अपनी अपनी जगह बहुत टफ रही है, बट हाँ मेरे हिसाब से मुझे लगता है अंकिता जी। आपको ऐसा लगा कि मुनव्वर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए या फिर ऐसे यार जबरदस्ती जिताया गया? मैं नहीं बोलूंगी कि फैंस के बदौलत उनको जिताया गया है, डेफिनेटली जबरदस्ती तो नहीं, बट हाँ इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं। जैसे कि अभी जो डोंगरी आपने बिली मूवमेंट देखा, हाँ हाँ डोंगरी में जो था उसके खिलाफ भी FIR हुआ है कि ऐसा मतलब वो लीगली नहीं था। देखो आप लोग ही बता रहे हो यार, ऐसे मुझे ऐसा लगता है पता है क्या, कि मुनव्वर को भी नहीं पता होगा कि ऐसा कुछ इंतजाम या ऐसा कुछ सेटअप, इतनी भीड़ भाड़ वहाँ पे लगने वाली। मुनव्वर पहुँचा होगा और उसने देखा तो यार ऐसे कुछ कर नहीं सकते हैं, मतलब लोग उसको इतना अगर प्यार करते हैं तो ही इज ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फैंस एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर। आपने बोला कि अंकिता जैन का भी पर्सनल लाइफ काफ़ी खुल चुका था, हाँ। और आपका भी पर्सनल लाइफ खुल चुका था, हाँ। अभी अभिषेक ने भी रिएक्शन दिया है, मुझे पूछा गया कि आप ईशा पाटिल के साथ फिर से रहना चाहेंगे, बात करेंगे अभी, ऐसा भी नहीं है कि वो अगर आज मेरे सामने से क्रॉस कर रहे तो मैं मुंह बोल लूंगी या मुंह बना लूंगी। मैं कॉर्डियल बिहेवियर सबके साथ, अंदर के हर एक कंटेस्टेंट के साथ रखना चाहूँ। जैसे कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई सामने से नहीं बात करता लेकिन उदास है, कभी मैं उनके सामने खुद सॉरी बोलती आपकी बात कर, हाँ मेरा वो नेचर यार अभी भी, मतलब मुझे पता है कि अंदर यू नो मनारा और मेरी बहुत अलग लेवल पे झगड़े हुए हैं, बहुत लड़ाई हुई है, पर अगर मनारा भी मुझे दिख जाएगी सामने से मैं चली जाऊंगी उसको हाय बोलेगी, हाय मनारा व्हाट्सअप आ गई। बोलने लगता है कि आप ना बहुत लंबे टाइम तक ज़्यादा ग्रजेस पाल के नहीं रख सकते, और अच्छा भी नहीं है, आगे बढ़ जाना चाहिए। नहीं कोई बातचीत नहीं हुई क्योंकि मैं भी अपने प्रोजेक्ट्स में लगी हुई हूँ। आई एम श्योर मनारा भी अभी अभी फिनाले करके बाहर आई है तो वो भी बिजी ही होगी, बट अब मैं करूँगी कॉन्टैक्ट मनारा से, डेफिनेटली मिलेंगे, बातचीत करेंगे। क्योंकि अभी खबर आ रही है कि अभिषेक को खतरों के खिलाड़ी मिला है, उसमें जाने वाले, तो उन्हें आप क्या कहते हैं? मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी अगर ऐसा है तो, मुझे नहीं पता है कि एक्चुअल ऑफिशियल न्यूज़ क्या है, पर आप लोग अगर बता रहे हो तो ऑल द बेस्ट टू अभिषेक। इसी के साथ अगर आपको भी खतरों के खिलाड़ी में अभी इसी वक्त चांस मिलता है अभिषेक के साथ फिर से मुलाकात होगी भाई? यार मैं मुलाकात से ऐसे डरती नहीं हूँ मैं, वो तो आपने देखा ही होगा बिग बॉस, मुझे किसी चीज़ से ऐसे डर नहीं लगता कि अरे बाप रे ये फेस करना पड़ेगा। मैं कभी भी सिचुएशन से भागने में बिलीव नहीं रखती हूँ, क्योंकि आप भाग कब तक ही भागते रहोगे, कभी ना कहीं वो एक सर्कल लेके आपके सामने फिर आ ही जाएगी सिचुएशन। सो आई थिंक आप फेस करो उसको स्ट्रांगली, वो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास अगर आज भी ऑफर आता है मैं हाँ करूँगी, ऑब्वियसली। अंकिता लोखंडे भी बोल रही थी कि मैं जो वोटिंग हुआ था मैं वो चेक करवाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं फोर्थ रैंक पर आ सकती हूँ। यार मुझे नहीं लगता कि जनता ऑडियंस कभी भी अनफेयर हो सकती है, एंड बिग बॉस इज ऑल अबाउट ऑडियंस। आप अंदर हो लेकिन बाहर आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, आपके ऊपर अपना एक जजमेंट क्रिएट कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, तो आई थिंक जनता कभी भी अनफेयर नहीं हो सकती है। आई थिंक जो भी हो यार जनता के डिसीजन के हिसाब से हुआ है, सो
कभी आप किससे स्पेशली ज़्यादा मिलना चाह रहे हैं, अंकिता से या फिर मुनव्वर या फिर अभिषेक या फिर किससे? यार ऐसा कुछ नहीं, मैंने अभी बोला ना आपको, मुझे सब लोग भी अगर मिलेंगे ना यहाँ पे, अगर वो 17 के 17 लोग भी मुझे खड़े देखेंगे, मैं सबके पास जाऊँगी और मैं सबसे अच्छे से ही बात करूँगी। ऐसा मेरा नेचर है ही नहीं कि मैं मुँह बना के निकल जाऊँ या उनको देखूँ ना, तो ऐसे मैं किसी को अवॉइड या इग्नोर नहीं करूँगी। बट हाँ, अगर क्लोज रिश्तों की बात की जाए तो आई थिंक मैं विक्की भाई और अंकिता जी से ज़्यादा क्लोज फील करती हूँ।